जिन पार्टी के विधायकों को सम्मान नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, आइए महागठबंधन में कांग्रेस से जुड़िए और हम लोग बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। जनता उन्हें चुनी है, वो मंत्री है, उन्हें सम्मान महसूस करना, अगर ऐसा किया गया है उनको तुरंत त्याग पत्र दे के आना चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। कल जिस तरीके से मंत्री मुकेश सहनी के साथ वाराणसी में व्यवहार किया गया, उस पर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनका क्या कुछ कहना है इस पर, ये बात जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो मंत्री मुकेश सहनी जी के साथ किया गया वहाँ पे वाराणसी में, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत स्थिति खराब है देश की। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, उनके खिलाफ कोई आवाज़ मत निकालो। जब उनके खिलाफ आवाज़ निकालोगे उस पर कुछ ना कुछ वो कार्रवाई कराएंगे। क्योंकि मदन सहनी जी बहुत दिन से दबाव कर दे रहे थे, उनसे भी बात कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे, सरकार में वो बिल्कुल खुश नहीं है, एनडीए की सरकार है। तो अभी वो एक ही व्यक्ति क्या, जो जो बात उठाएगा, जो जो सरकार की बात नहीं मानेगा, सब पर ऐसे ही घटना घटाएंगे वो, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। ये दोनों व्यक्ति सिर्फ अपनी बात करना चाहते हैं, राष्ट्र की बात नहीं करना चाहते, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसकी बात नहीं करते, सिर्फ अपनी बात करते हैं। कि ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है ये, मैं उसकी निंदा करता हूँ, जो भी सहनी जी के साथ हुआ निंदा करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है आइए महागठबंधन में, हम लोग आपको भी सम्मान देंगे। क्योंकि जो आप सम्मान जो देता है वही सम्मान पाता है, आप सम्मान दे रहे हैं लेकिन आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको ठोकर दे रहा है, इसलिए आइए महागठबंधन में और हम मिलजुल के सरकार बनाते हैं। एनडीए का हिस्सा है मुकेश सहनी, बावजूद उनके साथ वाराणसी में एनडीए की सरकार के द्वारा ही सब किया गया है। यही तो मैंने कहा कि वहाँ नरेंद्र मोदी जी के बिना इशारे कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले आडवाणी जी होते थे, पहले अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, लेकिन आज सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। कोई रविशंकर प्रसाद जी जो बिहार के थे, कितना अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने क्यों हटा दिया? कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में कुछ बोल गए। तो यहाँ जो भी खिलाफ में बोलेगी कोई भी जनता, उस पर कार्रवाई करेंगे। जनता के द्वारा बनाई हुई केंद्र में सरकार एनडीए की आज जनता के विरोधी सरकार है। अभी देखा महन जी ने क्या बोला आपको, कि उनकी सोच गलत है, तोड़ने की नीति है सबको, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो देश को बांट नहीं सकते। आज देश हमारा जो है, जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी ने जो विकास आज किया भारतवर्ष में, वही विकास आज भी दिख रहा है। कोई कंपनी बड़ी बड़ी बेचने का काम नहीं किया था कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े सबको बेच रहे हैं, सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कोई 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दे रहे थे, एक भी युवक बोले कि रोजगार मिला? कितने करोड़ों बेरोजगार हुए उसकी बात करिए, जनता सब देख रही है। जिन जिन पार्टी के विधायकों को सम्मान नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, आइए महागठबंधन में कांग्रेस से जुड़िए और हम लोग बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। सैनी नाराज भी चल रहे हैं योगी जी के इस बर्ताव से, तो क्या लग रहा है कि वो आ जाएंगे महागठबंधन में? अगर वो सम्मान चाहते हैं, वो जनता उन्हें चुनी है, वो मंत्री हैं, उन्हें सम्मान महसूस करना, अगर ऐसा किया गया है उनको तुरंत त्याग पत्र दे के आना चाहिए। उनसे कुछ बातचीत हुई है, क्या लग रहा है? नहीं, बातचीत नहीं हुई है, लेकिन बातचीत सब चीज़ करना जरूरी है, वक्त पे बात भी होगी, लेकिन अभी तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा आपको वहाँ त्याग पत्र दे के छोड़ना चाहिए सम्मान के लिए, क्योंकि आपको सब पूरी जनता बिहार की देख रही है। तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मंत्री मुकेश सहनी को आह्वान किया है कांग्रेस पार्टी में, कहा है कि अगर आपको सम्मान चाहिए तो आप भाजपा और एनडीए का दामन छोड़कर आप महागठबंधन में आइए और कांग्रेस पार्टी के साथ, महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाइए। अब देखना है कि मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होता है। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल लाइव सीरीज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद।